तो हेलो एंड वेलकम बैक डियर आईएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, या जो किसी किसी बुक में चैप्टर नंबर 3 है, वो जो हमारा चैप्टर नंबर केमिकल काइनेटिक्स है, उसके कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैक्सिमम टाइम आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, मतलब जिससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, और वो टॉपिक बताऊंगा जिससे मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इसका पहला वीडियो आ चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन चैप्टर का, तो ये उसी कंटिन्यूएशन का पार्ट नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं। यस गाइस, हम लोग अपनी बालाजी की बुक के इंडेक्स में आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो देखिए, जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है वो आप लोग को ऊपर दिख रहा होगा कौन कौन से उसमें टॉपिक है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, दूसरा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तीसरा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चौथा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से बात करें तो जो आप जब एक बार ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पहली बार में इसको हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंट देना है। ये मैं तब बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके 2-3 दिन बाद पेपर है तो आपको कौन कौन से टॉपिक में जल्दी से ज्यादा टाइम देकर पढ़ना है ताकि पेपर में उसी से आने का ज्यादा चांस रहेगा, तो आपको हेल्प हो जाएगी। तो उसमें से हमारा पहला टॉपिक आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होती है, इससे बेसिकली न्यूमेरिकल आता है। और इसी के बाद एक आता है रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, ये हो गए हमारे पास 2 टॉपिक। अगला टॉपिक आता है यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि मतलब अब ये समझ लीजिए हर बार पूछा ही जाना है कि आपके पास ऐसा ऐसा दे रखा है, बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो बेसिकली आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है तो आप लोग बता दीजिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इससे एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल पक्का है आना, हर साल आता है। इसमें आपको 0 ऑर्डर ही पूछ सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ही पूछ सकते हैं, बट 70% फर्स्ट ऑर्डर ही पूछते हैं, कभी कभार 0 ऑर्डर पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप ये समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। ये जो डिपेंडेंस वाला है ना, ये चाहे जिस चैप्टर में हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, आपका 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए या फिर बैलेंस के लिए। तो ये जो डिपेंडेंसी है कि टेम्परेचर प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर रेट कॉन्स्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, या फिर टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये सब आपको जो डिपेंडेंस है वो सब आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, जो कि आना ही आना है पेपर में 1-2 नंबर के एमसीक्यू में। उसके बाद बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास अरेनियस इक्वेशन, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया हुआ है पर वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अरेनियस इक्वेशन, और फिर उसके बाद आता है आपके पास अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन में आपके पास एक फॉर्मूला आता है लॉग के टू अपॉन के वन इज इक्वल्स टू ई ए 2.230 आर टी तो गाइस, जो हमारा टॉपिक था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कॉन्स्टेंट, इसमें आप इसके अंदर आपके पास 2 और मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है। पहला आता है अरेनियस इक्वेशन, जो कि इसका कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, वरना आप अगर इसका न्यूमेरिकल ज्यादा आता नहीं, लेकिन इसका एक जो फॉर्मूला है लॉग के टू अपॉन के वन ई ए टी टू माइनस टी वन अपॉन 2.303 आर टी वन टी टू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर या तो क्वेश्चन आना है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है, या तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, या फिर इस वाले फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन आना है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पहला आपके पास टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन, उसके बाद कॉन्स्टेंट, उसके बाद आता है आपके पास 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद आपके पास आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास अरेनियस इक्वेशन, और उसका फॉर्मूला है लॉग के टू अपॉन के वन ई ए 2.2 ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू टी वन अपॉन टी वन माइनस टी टू, ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से कर लेना, न्यूमेरिकल यहीं से आना। सो आई होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।